नमस्कार दोस्तों, साल 1996 की बात है। साइकोलॉजिस्ट आशीष नंदी एक रिसर्च कर रहे थे। आई जाते देश के सबसे अहम चुनाव का दूसरा फेज आज हुआ समाप्त। मैंने भी डेमोक्रेसी संविधान। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इलेक्शन कमिश्नर सेड दैट ही डज नॉट वांट टू गिव एनी कमेंट्स ऑन द मैटर। आई एम रियली सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड। Burning a symbol of Modi's new law may not get these Muslim students very far, but what's the alternative? तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि apparently India में तानाशाही का माहौल है और बहुत जल्दी यहाँ पे apparently democracy खत्म होने वाली है और इसका कसूरवार सिर्फ और सिर्फ एक आदमी है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और 2024 में भी बीजेपी सरकार बनने वाली है, NDA के साथ मिलकर ये फिर से तानाशाही का माहौल अपैरेंटली हमारे देश में करने वाले हैं और डेमोक्रेसी नहीं बचेगी, ऐसा मानना है कुछ लोगों का। और अगर हमारे नीतीश जी का मन नहीं बदला तो कल यानी कि 9 जून शाम 7:15 आपको फिर ये आवाज़ सुनाई देगी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। अपने पिछले दो चुनाव से कम सीटें लाने के बावजूद भी बनने जा रही है बीजेपी की सरकार NDA के साथ और फिर से हो जाएगा इस देश में तानाशाही की शुरुआत। शपथ ग्रहण के बाद ही तानाशाही की शुरुआत हो जाएगी और हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, ये बताया गया है हमें इन महान पत्रकारों से और उनकी वीडियो से। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरा क्या मानना है तानाशाही को लेकर और क्या बदला है पिछले 10 साल में। शुरुआत करता हूं मैं NDA सरकार क्यों बना रहे हैं। हालांकि मुझे ये समझ में नहीं आता कि 2014 और 2019 में भी बहुमत सीट पाने के बावजूद इन्होंने NDA की सरकार बनाई। ये तानाशाही अब नहीं चलेगी। एक मिनट, लेकिन तानाशाही तो चल रही है, ये तो NDA के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। वेरी बैड बीजेपी, नरेंद्र जी वेरी बैड, तानाशाही नहीं चलेगी। चलिए अब पॉलिटिक्स रखते हैं साइड में और मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। ये सवाल आप अपने आप से पूछिए, पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है और ये मुझे जानना है आप लोगों से कि क्या आप लोगों को लगता है कि देश में तानाशाही है, और अगर तानाशाही होती तो आपको लगता है कि ये बहुत सारे यूट्यूबर्स जो दिन रात बैठ के मोदी जी को और बीजेपी को गालियां देते हैं उनके चैनल बंद किए जा सकते थे या उनकी वीडियोस को डिलीट किया जा सकता था। और आवाज दबाने की तो खैर क्या मिसाल दूं, क्योंकि ऐसा हमारे देश में पहले हो चुका है जब पत्रकारों की आवाज को दबाया गया था कम्प्लीटली। उस मुद्दे से आगे बढ़ के मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोग ये नैरेटिव लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी सरकार जो एंटी मुस्लिम है, तो एक बात बताइए, अगर वाकई में ये लोग एंटी मुस्लिम है और हिंदुस्तान एंटी मुस्लिम है और यहाँ पे मेजॉरिटी हिंदूज रहते हैं, पर फिर भी हमारे स्टार जो हैं वो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और काफी और मुस्लिम एक्टर्स हैं जिन्हें हम सर आंखों पे रखते हैं और उनकी मूवीज देखते हैं, टिकट लेकर उनके ऊपर पैसे खर्चते हैं और उन्हें करोड़ और खरबों पति बनाते हैं। अब बात करते हैं इस देश में सबसे ज्यादा देखी और खेले जाने वाला स्पोर्ट्स क्रिकेट के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहले भी और अब भी हमारे क्रिकेट की टीम में कोई ना कोई मुस्लिम जरूर होता है। तो अगर ये देश एंटी मुस्लिम है तो हमारे देश की टीम में कोई मुसलमान नहीं होना चाहिए, बल्कि ये टीम सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं से भरी होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी के बेटे जय शाह, जो इस टाइम पे BCCI के सेक्रेटरी हैं, वो अगर चाहें तो किसी को भी टीम में रख सकते हैं या निकाल सकते हैं। जो नैरेटिव आपको सुनाया जाता है एंटी मुस्लिम का लेकर, वो कम्प्लीटली यहाँ पे भी गलत साबित होता है। अब बात करते हैं पर्सनल लेवल पे। तो मैं एक मोटर ब्लॉगर भी हूँ और मैं अपनी बाइक और कार पे काफ़ी घूमता हूँ, और मैं आपको एक बात पूछता हूँ, जब आप बाइक या कार में कहीं जा रहे हैं और आपको कोई एक्सीडेंट नज़र आता है तो क्या आप ये सोचते हो कि जो गिरा है वो हिंदू है या मुस्लिम और मैं उसके हिसाब से उसकी मदद करूँगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जब भी ट्रैवल कर रहे होते हैं, अगर किसी को हमारी मदद चाहिए होती है तो हम उन्हें मदद ज़रूर करते हैं। ये जो नैरेटिव आपको बताया जाता है कि एंटी हिंदू एंटी मुस्लिम, ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ और पैसे पाने के लिए आपके सामने पेश किया जाता है। वैसे तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर ग्रुप है मेरा जहाँ पे
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब साथ में बैठते हैं, साथ में घूमते हैं, साथ में खाना खाते हैं, एक दूसरे की रिलीजन और पॉलिटिकल व्यूज़ को रिस्पेक्ट करते हैं। एंड लेट मी टेल यू कि हमारा ये ग्रुप पिछले 30 सालों से कायम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जहाँ भी आप देखेंगे हम हैं सब भाई भाई। लेट्स नॉट फाइट, लेट्स नॉट मेक दीज पीपल मोर रिचर बाई लुकिंग एट देयर वीडियोज एंड फॉरवर्डिंग देम, ताकि ये 100 मिलियन तक पहुँचे और अपनी जेब भरें और दुनिया भर घूमें और फिर उसकी भी व्लॉग्स डाल के आपसे और पैसे कमाएं। जैसे कि मोदी जी ने कहा कि हमारा संविधान कभी नहीं बदल सकता और ना ही वो संविधान बदलना चाहते हैं। इंडिया वॉज इज एंड विल ऑलवेज बी अ सेकुलर कंट्री। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में ध्यान देना है तो वो है हमारी पॉपुलेशन, जिसकी जिम्मेदारी हम सब पे बनती है, क्योंकि फिलहाल हम सबसे ज़्यादा पॉपुलर कंट्री हैं और अगर हम इस रेट से बढ़ते रहे तो हम डेफिनेटली गरीब ज़रूर हो जाएंगे। थैंकफुली हमारे पास मोदी जी जैसा एक प्राइम मिनिस्टर है जो हमें आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं और हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। तो इस बार फिर से मोदी सरकार, कंग्रेचुलेशंस टू BJP, NDA एंड श्री नरेंद्र मोदी जी फॉर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर फॉर द थर्ड टाइम। ये इतिहास में सिर्फ दूसरी बार हुआ है एंड आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में भी BJP की सरकार आएगी और मोदी जी हमें लीड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपकी बार भी मोदी सरकार। गुड नाइट।